हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ इसका जो टॉपिक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में है। लेकिन मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है उसके बारे में हम किन चीजों को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या भविष्य के अंदर ई व्हीकल्स के अंदर क्रांति ला सकता है, क्या ई व्हीकल्स के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आ सकता है, और इसके पहले क्या ई व्हीकल्स वास्तव में इंडिया का भविष्य है या नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं आपको दूंगा, और क्या इसमें जो निवेश करने के लिए क्या आपके लिए ये प्राइस उचित है या नहीं है। इसके अलावा जो मैं सबसे खास बात करूंगा कि उसको जो चैलेंजेस है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जिसकी वजह से उसके जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको महिंद्रा के बारे में शायद ना पता हो वो यहां पर आपको पता चलेंगी। तो देखिएगा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो आनंद महिंद्रा जो है ग्रुप की जो कंपनी है, तो सीधी सी बात है जो गोयंका जी हैं उनको आप हमेशा अक्सर सुनते रहते होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम उसकी बात करें तो 64174 करोड़ की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 294 रुपीज है, और मार्केट के अंदर जो है 516 के ऊपर इसका जो शेयर प्राइस है। अगर ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखेंगे तो पिछले पूरे साल भर के दौरान जो है इस तरीके की करेक्शन जो है वो सभी शेयर्स में जो है देखने के लिए मिली, तो स्पेशली जो है महिंद्रा भी उसका जो है अपवाद नहीं है। तो महिंद्रा का जो शेयर प्राइस है अगर उसके 52 वीक हाई को देखेंगे तो 1804 है, जबकि उसके 52 वीक लो 502 है। तो सीधी सी बात ये शेयर अभी भी जो है 15 की जो पी रेशियो है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो 14-15 की पी रेशियो के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की जो है अराउंड 15% है, डिविडेंड यील्ड करीबन 1.5% है, और सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है 9.46% जो है पिछले 3 साल के दौरान जो है देखने के लिए मिली है। अब ये जो शेयर है इसके अगर 5 साल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति ने शेयर को रखा होगा तो उसके कुछ पैसे नहीं बने होंगे एक्सेप्ट डिविडेंड, तो क्योंकि डिविडेंड 1.5% के आसपास आता है, तो सीधी सी बात है इस शेयर ने कोई बेहतरीन रिटर्न किसी भी तरीके की नहीं दी है, बल्कि इसकी अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो नॉमिनल इन्फ्लेशन अगर उसको भी कंसिडर करें तो इसने जो है एक नेगेटिव रिटर्न्स जो है अपने शेयरहोल्डर्स को दिए। तो सीधी सी बात यहाँ है कि अगर हम इसके बात करें प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स के अंदर जो है ऑटोमोबाइल्स जो है मेजरली है, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज की भी जो है सब्सिडरीज हैं, मोर देन 100 सब्सिडरीज के माध्यम से ये ऑल ओवर इंडिया तो काम करती हैं लेकिन इनके यूरोप के अंदर भी काफ़ी जबरदस्त जो है प्रेजेंस है। तो इनकी जब सब्सिडरी कंपनीज की लिस्ट जो मैं देख रहा था तो पता चला कि बहुत बड़ा जो बिजनेस है इनका, इसके अलावा भी जो है जो बाकी कंपनी जैसे स्वराज इंजन्स हैं या बाकी जो प्रेजेंस है इनकी, जो रूरल प्रेजेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन है इसकी देखने के लिए अगर इंडिया की हम बात करें, लेकिन अगर विदेशों के अंदर भी जो है इन्होंने सब्सिडरीज के माध्यम से जो है बहुत बढ़िया जो नेटवर्क है वो खड़ा किया हुआ है। आइए अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे जो सेप्टेम्बर के थे वो देखने के लिए जो है खराब ही मिले, और जो जून के क्वार्टर थे वो भी खराब ही थे। तो प्रॉफिट्स के अंदर एक सब्सटेंशियल जो है डिक्रीज जो है देखने के लिए मिला जो है सितंबर क्वार्टर में, हालांकि जून के जो क्वार्टर्स में थे प्रॉफिट्स थे वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा थे। तो अब यहाँ पर जो मार्जिन्स की हम बात करें तो जो इसके मार्जिन्स हैं वो जो है मुश्किल से जो है मेंटेन कर पा रही है कंपनी, लेकिन क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में सभी के साथ जो है इस तरीके की परेशानी थी तो ये कंपनी भी उसका अपवाद नहीं है। अगर हम इसकी पिछले परफॉर्मेंस देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की पिछले 10 ईयर्स की तो 18.5% है, 5 ईयर्स की देखें तो 14.69 है, और 3 ईयर्स में 14.15 है। तो अगर पिछले 5 साल के अंदर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करा है, लेकिन शेयर प्राइस ने उसको कोई भी तरजीह नहीं दी है, और उसका मेन रीज़न है कि इनके जो भविष्य है उसके बारे में लोग जो है अटकलें लगा रहे हैं या एनालिसिस जो है अटकलें लगा रहे हैं। बट मेरा पर्सनली क्या मानना है, पर पर्सनली मेरा जो भी मानना होगा वो मैं आपको वीडियो के दौरान और वीडियो के अंत तक जो है बताने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। स्टॉक प्राइजेज जो है आप अगर 1 ईयर के देखेंगे तो 31% के जो है डिक्लाइन है, और अगर 10 साल के देखेंगे तो 6.92, और 5 ईयर्स में जैसे मैंने भी आपको बताया कि नेगेटिव रिटर्न दी तो 3.4% की जो है नेगेटिव रिटर्न थी, 3 ईयर्स में भी जो है इसकी नेगेटिव रिटर्न थी। अब इसके कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट्स हैं अगर वो 10 ईयर्स में देखेंगे तो 20% है, 5 ईयर्स में 5% है, और 3 ईयर्स में 15% है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, सेल्स में ग्रोथ है लेकिन शेयर प्राइस में नहीं है, और यही रीजन है मेरा कि मैंने इसे शेयर को जो है सिलेक्ट किया है। देखिएगा, मैं इस शेयर के बारे में कोई भी राय आपको वीडियो के दौरान दूं तो उसको समझिएगा कि जो है वो एक एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है, और आप जो भी डिसीजन लें बाय या सेल का वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही जो लें। तो मैं आपको सीधा सीधा इसका भविष्य जो है वो मुझे जो लगता है
मैं पर्सनली क्या फील करता हूं, मैं वो आपको जो है इसके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिएगा, ये जो बिजनेस है, इसको मैंने जो क्यों लिया, वो है सबसे मेन इनकी ई व्हीकल्स के अंदर प्रेजेंस। तो इन्होंने ई व्हीकल्स के अंदर जो प्रेजेंस अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि जो 2022 है, 23 है, वहां तक जो ई व्हीकल्स है उसके अंदर एक जबरदस्त जो है वो तेजी जो है पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और उसमें महिंद्रा एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। और इसका मैं मेन रीजन जो आपको बताऊंगा वो है इनके जो सेगमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी जो रूरल प्रेजेंस है, जो इनकी रूरल प्रेजेंस है वो इनके लिए जो है काबिले तारीफ काम करने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि महिंद्रा जो इलेक्ट्रिक है वो एक्सपेक्ट कर रही है डबल टू ईवी सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो 2020 के अंदर ये, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ये खत्म होना, तो ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये जून 2019 का है, जो 4 जून को प्रकाशित हुआ था। तो उस आर्टिकल के हिसाब से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डबल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले आपको ऑटोमोबाइल्स के अंदर अगर आपको ग्रोथ देखनी है, तो आप ई व्हीकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा जो इलेक्ट्रिकल रिक्शाज है उन्होंने पूरी की पूरी रिक्शा मार्केट के अंदर जो है तहलका मचा रखा है, और सारे के सारे जो मैनुअल रिक्शाज थे उनकी पूरी मार्केट को खत्म कर दिया। अगर आप देखेंगे तो केवल 10% के आसपास जो है वो मार्केट बची हुई है, और शहरों में तो वो 10% भी नहीं है। तो आप देखेंगे तो ई व्हीकल्स जो है, ये जो ई रिक्शा है स्पेशली, उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बड़ी लग्जरीज कार्स हैं या SUVs हैं उसके अंदर बहुत जल्दी से ये मार्केट बना पाएंगे या कोई भी ई व्हीकल्स बना पाएगा, लेकिन ये ऐसा सेगमेंट है जो लोअर इनकम ग्रुप को कैटर करता हो, इंडिया के मिडिल क्लास को, इनकी इंडिया के मास को, इंडिया की बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है, उसके अंदर 2-व्हीलर्स एंड 3-व्हीलर्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो क्रांति हम देख रहे हैं वो हमें लग रहा है कि पहले इसी सेक्टर के अंदर आएगी। और देखिएगा, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े स्पोर्ट्स नहीं थे, और ई रिक्शा ने जो है क्रांति ला के दे दी है। तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम जिसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है इन व्हीकल्स की, जिसकी वजह से लोग एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके भी ई रिक्शा लेके आ रहे हैं। तो आप देखिएगा, जो लोग रिक्शा चलाते थे उन लोगों के पास बहुत बड़ी वेल्थ तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिक्शा को बेचकर जो है करीबन 1,00,000 रुपए के आसपास जो है 1,00,000 रुपीज के आसपास की इन्वेस्टमेंट करके और ई रिक्शा पर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप उनकी रिक्शा की कॉस्ट के मुकाबले में देखेंगे तो वो करीबन 10 टाइम्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उस चीज को स्वीकार किया और उसको जो है रिप्लेस करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिएगा, जहां पर बेनिफिट आएंगे वहां पर पब्लिक अपने आप आ जाएगी। मेरा मानना है कि जहां पे गड्ढा होगा वहां पे बारिश के टाइम पर पानी अपने आप भर जाएगा। तो सीधी सी बात क्या है कि ई व्हीकल्स एक स्कोप दे रहा है इंडिया की जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, और उस ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में जो मेजर प्रेजेंस है वो देखिएगा, मैं ये मानता हूं कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो रोज जो काम पे जाती है या जो स्टोरेज का जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं या जो पैसेंजर्स को छोटे डिस्टेंस के ऊपर कवर करते हैं, इसके अलावा जो 2-व्हीलर्स की मार्केट है उसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्रांति बहुत ही जल्दी जो है आने वाली है, और अगले 3 या 4 साल के अंदर जो है हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और गांवों के अंदर जो है इसकी अनदेखी नहीं हो सकती है, तो गांवों के जो व्हीकल्स हैं वो जो आप 3-व्हीलर्स देख रहे हैं, तो ये रूरल प्रेजेंस इनकी बहुत जबरदस्त होती है। तो ई व्हीकल्स के अंदर अगर आप जो है ये 3-व्हीलर्स या 2-व्हीलर्स की प्रेजेंस को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्रांति जो है आने वाली है, और महिंद्रा उसके अंदर एक जो है बहुत बेहतरीन प्रेजेंस है, क्योंकि जो इनका नेटवर्क बिजनेस है, जो रूरल प्रेजेंस है इनकी, रूरल जो नेटवर्क्स है इनके, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, जो सेलिंग एजेंट्स हैं, और इसके अलावा जो इनकी खुद की फाइनेंस कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तो वहां से इनको एक एडेड एडवांटेज जो है मिल सकता है। और फिर अगर आप इनकी छोटी कार के अंदर देखेंगे तो जहां पर कि हालांकि कार 2 लोगों के बैठने के लिए है, तो देखिएगा सीधी सी बात है, इस तरीके की E20+ जो कार है उसके प्राइस करीबन 5.5 लाख रुपए हैं, और इसको जो है फेम से भी जो है इन्होंने सब्सिडी इनको दी है। तो फेम का मतलब है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये फेम गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वास्तव में ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो ये करीबन 5.5 लाख रुपए की, अगर आप इसको टैक्स वगैरह मिलाकर भी आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑन रोड प्राइस करीबन 6 लाख रुपीज के आसपास जो है यहां पर पड़ेंगे। तो ये जो मार्केट के अंदर जो गाड़ी है ये एक अच्छी प्रेजेंस जो बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 लोग जो अपने ऑफिसेस जाते हैं और ऑफिस आने जाने के लिए जो है
जो है गाड़ियों का यूज करते हैं, अगर ये गाड़ी 6 लाख रुपए के अंदर अगर आपको मार्केट के अंदर मिलती है, और सीधी सी बात आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो आपकी टोटल फ्यूल कॉस्ट का 1/3 हो जाती है, तो यहां पर हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। हालांकि अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं या गाड़ी की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी आप देखिएगा इसमें एक बड़ी क्रांति मिलेगी। और देखिएगा सीधी सी बात क्या है कि महिंद्रा एक ऐसे सेगमेंट को कैटर करता है जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग है ई व्हीकल्स के फ्रंट पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो ई व्हीकल्स के अंदर उस सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है जहां पर एक हाईएस्ट डिमांड जो है जनरेट होने की हमें उम्मीद है। तो आप देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है अपनी इन दोनों जो इन्होंने जो लॉन्च की हैं उसके हिसाब से, और इनका ये पहले से ही बड़ा प्लान था। अगर हम आनंद महिंद्रा जी की बात करें तो आनंद महिंद्रा जी जो है पहले ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दिखाई, और अपनी दिव्य दृष्टि को यूज करते हुए उन्होंने 2010 के अंदर जो है रीवा कंपनी, एक बेंगलोर बेस्ड जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी का इन्होंने टेक ओवर किया, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो ई व्हीकल्स की स्टोरी है ये फल फूल जाएगी, और ये ई व्हीकल्स की जो स्टोरी है एक वेल्थ क्रिएट करने का जो मौका है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शोल्डर्स को शायद दे सकती है। हालांकि देखिएगा कुछ जो चैलेंजेस हैं वो चाइना की मार्केट से जो है वो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वहां से जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन के आएंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो है ये सेगमेंट के अंदर चैलेंजेस तो हैं, लेकिन फिर भी जो ड्यूटीज कट हो गए हैं, जो पहले 12% की जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी कट होकर 5% हो गया, पहले तो 28% की ड्यूटी थी, फिर 18 कर किया, फिर 12 किया, और अब 5% के ऊपर ये जो ड्यूटी है, तो 28 से 5% तक की जो ड्यूटी कट की जर्नी है ये भी आपको बता रही है कि गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट करना चाह रही है। तो महिंद्रा की ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये वास्तव में, और अभी इनकी जो पाइपलाइंस के अंदर जो कुछ और लॉन्चेस जो हैं इनके होने वाले हैं, कुछ लग्जरीज गाड़ी भी ये जो है लॉन्च करेंगे, इसके अलावा ये जो है मिडिल सेगमेंट के अंदर कुछ और गाड़ियों को भी जो है इनके पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन वो जब तक लॉन्च नहीं होती हैं तब तक जो है मैं अभी आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी देखिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है हमें लग रहा है ये बेहतरीन है। और अगर हम इसके महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो देखिएगा ये 94 के अंदर 1104 करोड़ की जो कंपनी हुआ करती थी, और आज की डेट में 210,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि 191 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें इंक्रीज हुआ है एज पर द एनुअल रिपोर्ट, और 191 यानी कि आपने अगर 94 में इस कंपनी में पैसे लगाए होते तो 191% आपका पैसा हो चुका होता, यानी कि 191 गुना आपका पैसा हो चुका होता। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट जो है बनता है। इसके अलावा 38 टाइम्स जो है इसने 2004 से भी किया है, और अभी आप 5 साल में देखेंगे, पिछले 5 साल में तो नेगेटिव रिटर्न्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी एक लॉन्ग टर्म्स के अंदर इतनी अच्छी तरीके की जो रिटर्न्स दे रही थी, और जो मैनेजमेंट है वो एग्रेसिव है और एक्शंस लेने के अंदर जो है जानी जाती है, और सिर्फ सीधी सी बात क्या कि जो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो इनकी प्रेजेंस है नेटवर्किंग के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और ये एक अर्ली मूवर जो है मान लीजिएगा थ्री व्हीलर्स के अंदर अगर आप बात करेंगे तो, या 6 लाख रुपए से नीचे की कार के अंदर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हो सकता है। और सीधी सी बात क्या है कि यहां पर इन्होंने कुछ जो डिजाइंस हैं उसके लिए भी जो है इन्होंने IPR जो है उन्होंने लगाए हुए हैं, 152 पेटेंट्स के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई है, तो सीधी सी बात यह है कि तो यहाँ पर ये इस सेगमेंट के अंदर जो है पोजीशंस जो है वो ले सकती है। बैटिस्टा जो है इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार जो है उसके ऊपर भी जो इनका काम चल रहा है तो उसको इन्होंने भी रिवील तो किया है, लेकिन अभी उसके जो कमर्शियल प्रोडक्शंस हैं वो स्टार्ट नहीं हुए। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों चलेंगे तो महिंद्रा कहता है कि देखिएगा रिड्यूस स्पेसिफिक एमिशन बाय 25%, तो इन्होंने अपना खुद जो है अपनी जो गाड़ी है उनके अंदर जो है इमिशन है वो कम किए, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी इनकी एक जबरदस्त प्रेजेंस जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है आरई कंपनी के अंदर जो है अपना स्टेक जो है वो भी इंक्रीज कर दिया इन्होंने, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंदर जो है काम कर रहे हैं, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है वहां पर भी इन्होंने अपना स्टेक जो है इंक्रीज कर लिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी ये जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, तो वास्तव में ये जो फ्यूचर के अंदर जिस तरीके की जो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्होंने पहले ही भांप कर ये उसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अभी वो जो है ऑन पेपर जो है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगले वाले 2 या 3 साल के लिए जो है हमें लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर जो है एक बेहतरीन रिटर्न्स आ सकती हैं। और इनका जो अपना अगर R&D की बात करें तो इनके 11 कंट्रीज के अंदर जो है R&D सेंटर्स हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करते हैं, और उसके ऊपर भी ये काफ़ी बड़ा जो अमाउंट है अपने जो है बजट का इनकर्ड करते हैं, खर्च करते हैं। और यहाँ पे जब इंडिया के अंदर हम इनकी बात करें तो 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और ऑल ओवर इंडिया इनकी जो प्रेजेंस है, तो आप ये देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया
जो है इनकी प्रेजेंस होने की वजह से पैन इंडिया के अंदर इन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है स्टार्ट कर रखी, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, उसको ये अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हालांकि साउथ के अंदर भी इनकी इतनी जबरदस्त प्रेजेंस नहीं है, मैं फिर भी आपको ये बात बोलूंगा। तो ये जो बाकी जो है नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इस एरिया के अंदर इनकी बहुत अच्छी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जो है काफी डिमांड में रहते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिएगा, क्योंकि ये फार्मिंग सेक्टर के अंदर जो ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, बलेरो गाड़ी है, वो अगर आप देखेंगे तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी अच्छी डिमांड रहती है, तो उसके वजह से इनका जो नेटवर्क बना हुआ है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है इनकी गाड़ियों के फाइनेंस में, और जो इनको जो इनके फार्मर्स हैं उनके साथ जो इनके फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है ये गेम चेंजर हो सकता है महिंद्रा के अंदर। तो मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में ये करीबन 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर जो है ये सारी बात जो है जाहिर करने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि अंडरवैल्यूड है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, अब मैं उनकी बात करता हूँ। चैलेंजेस ये है कि अगर गवर्नमेंट इसको सेक्टर को प्रमोट नहीं करती है तो कुछ डिले हो सकता है। दूसरा ये भी है कि जो इसके बेसिक जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो चीजें हैं उसके लिए जो बैकएंड जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अभी जो है कमी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पाइपलाइन के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत क्लियर तरीके से नहीं बता पा रही है कि किस तरीके से एक्शन लेना है, तो वो जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो भी स्लोली जो है वर्क कर रही है। इसके अलावा जो है इनोवेशंस है, नई इनोवेशंस जो है वो पुरानी मार्केट को खराब कर सकती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बेस्ड जो है इंजन्स जो है वो मार्केट के अंदर जो है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करेंगे तो वहां पर भी एक जो है जबरदस्त जो है रिप्लेसमेंट ईवी का ही आ रहा है, तो हो सकता है कि यहां पर इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं ये महिंद्रा को भी देखने के लिए मिले। तो अगर आप इसका पूरा का पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, जिसको हम सॉफ्ट एनालिसिस कहते हैं, उसको आप करेंगे तो एक कंक्लूसिव डिसीजंस पे जो है निकल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर भी आरएनडी के ऊपर और उसको भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में ई व्हीकल्स का जो है वो भी काम कर रहे हैं, और ई व्हीकल्स में किसी तरीके की क्रांति आती है तो ये उस अपॉर्चुनिटीज को कैश करने के लिए जो है तैयार है। क्योंकि पूरा का पूरा देखिएगा, कोई नई कंपनी आके ना यहां पे पूरा जो नेटवर्किंग बिजनेस है या पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, उनको जो है मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है किसी कंपनी को। और आप जानते हैं कि फोर्ड वालों ने भी इनके साथ जो है टाई अप किया है, और वो फोर्ड की जो ई व्हीकल्स हैं वो भी इनके प्लेटफॉर्म से जो है तैयार हो रही हैं। तो आप इनको जो सिनर्जी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर इनके जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनके पास या जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, तो सभी के तरीके से, यानी कि पीछे से भी इनको बैक है, आगे से भी है, और साथ में जो है दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पा रहे हैं, दूसरे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी इनके प्लेटफॉर्म से जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इस सभी तरीके से अगर हम इस कंपनी को देखें और ओवरऑल जो वैल्यूएशन पर जो कंपनी मिल रही है, जिन वैल्यूएशंस के ऊपर जो मिल रही है, रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है वो फेवर में है इन्वेस्टर के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आगे भी आप अपने कमेंट्स जो है मुझे बताते रहिएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा, जिस तरीके के आपके कमेंट्स आएंगे उनके जवाब होंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, नहीं तो जिन टॉपिक्स के ऊपर आप बोलेंगे और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझे लगेंगे उनके ऊपर मैं जो है वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।